हाय फॉलोअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? मैं अपना गेम और आगे और एक नए वीडियो के साथ। तो कैसे आप लोग? तो आप सोच रहे हो कि ये तो बहुत दिनों के बाद आया है, और सोच रहे हो, ये भी सोच रहे होंगे कि ये मैकेरिना तो नहीं है, तो ये कौन सा गेम है? ये है लोकी क्राफ्ट गाइस, जो मैंने नया गेम शुरू किया। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं तो गिर नहीं वाला था भाई। मैंने इसमें अच्छी प्रोसीडिंग भी कर ली है। मैं बहुत दिनों से मैकेरिना भी नहीं खेल रहा था, लोकी क्राफ्ट खेल रहा हूँ गाइस। और मैं आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में एक अच्छी सी एन्चेंटेड स्वॉर्ड भी है। तो गाइस, तो ये लोकी क्राफ्ट में मैं आपको बहुत से अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताऊँगा। और अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका अच्छी सर्वाइवल सीरीज भी शुरू कर सकता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये तो माइनक्राफ्ट खेल सकता है ना, मगर गाइस क्या कर सकते हैं, यूट्यूब माइनक्राफ्ट को ख़रीदना पड़ता है, जिसके लिए पैसे लगते हैं, और यूट्यूब फिर आपको पता है। तो बिना कोई देरी के मैं आपको मेरा घर दिखाना शुरू करता हूँ। उसके बाद अगर आप कमेंट कीजिए तो मैं इसका एक नई सर्वाइवल सीरीज़ भी शुरू करूँगा। ओके, सो गाइस ये है मेरा घर, देखिए आप ये दीवार, ये आप इतनी बड़ी चट्टान को ज़रा सा नज़रअंदाज कीजिएगा, और मेरा घर देखिए। तो गाइस ये है मेरा। और गाइस मैं अभी कह रहा हूँ, मैंने बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं बनाए, मैंने अपनी मेहनत से बनाए ये सर्वाइवल में, ठीक है। और ये है मेरा घोड़ा गाइस, है ना प्यारा। आइए मैं आपको मेरे घर के अंदर का सीन बताता हूँ। सो गाइस ये है मेरा कुत्ता, और भी कुत्ते हैं मेरे पास मैंने, और ये है मेरी एंट्रेंस, और ये है मेरा बेड गाइस। और इसमें मैंने क्या करता हूँ, रोज़ का सामान रख लेता हूँ, ताकि मुझे ना वही पहन कर सुनाना पड़े ना गाइस। ये है मेरे से एन्चेंटेड बुक्स और एक गोल्ड स्वॉर्ड, यही मामूली है। और इसमें है गाइस असली मज़ा, गोल्ड और इंस्टेंट हेल्थ, जो मुझे विच को मारने से मिली थी, स्लाइम बॉल, जो मुझे उसका नाम क्या है भाई, वो जानवर का, और ये लैपिस लाजूली, बहुत सारी चीज़ें गाइस। और गाइस इसमें मेरी नॉर्मल सामान है, और ये इसमें मेरे सब ब्लॉक सकता हूँ, और ये एक्स्ट्रा हो गई थी इसीलिए। और अब सोच रहे हो ये क्या, इसमें तो मुर्गी पाल के रखे हैं मैं ना, मुझे ना, अरे यार ये तो क्रिएटिव है, मैं तो भूल गया। ओके मैं अभी आपसे सर्वाइवल मिलता हूँ, ठीक है। सो गाइस मैं वापस आ गया हूँ, देखिए ये है मेरा पोल्ट्री फार्म पोल्ट्री फार्म, देखिए गाइस ये सारे मुर्गी, तो मुर्गी इसमें ना मेरी एक मुर्गी का नाम क्यूटी है भाई साहब, क्यूटी का है। हेलो क्यूटी भाई साहब, क्यूटी भाई, यार क्यूटी भाग गई यार, अंडे हमेशा की तरह मेरी किस्मत तो ख़राब है गाइस। वो परवाह नहीं, मैं तो उसे वापस ढूंढ लूँगा गाइस। जैसे कि अब ये था मेरा, और ये है मेरा सेकंड फ्लोर। यहाँ पे तो अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर क्या रखूँ। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर विलेजर्स को रख सकते हैं हम लोग, है ना। मगर मेरे ना घर के आसपास मीलों दूर एक भी विलेज नहीं है गाइस, देखते हैं। तो यार ये क्यों उठ गया, बैठ जा भाई। तो गाइस अभी यार मैं आप ही खुल जाता है मेरा प्यारा सा घोड़ा, इसका नाम अभी मैं सोच रहा हूँ, ताकि इसे कोई मुश्किल में से एक हेवेल और पानी दिया है मैंने। और ये है मेरा साइड सीन घर का, गाइस ये मेरे प्यारे प्यारे कुत्ते। मेरा एक कुत्ता बाहर घूम गया था, तो मैं इसे मेरे घर में रख रहा हूँ, बस शैतान है। और बहुत सी चीज़ें हैं गाइस, आप तो मुझे एक ही एपिसोड में पूरे का पूरा नहीं दिखाना। और प्लीज़ कमेंट डाउन, अगर आप चाहते हैं कि मैं और सर्वाइवल सीरीज़ कंटिन्यू करूँ, मतलब एक और नया शुरू करिए। तो सर्वाइवल ही है, मैंने इसमें बहुत मेहनत की है बनाने के लिए, और इसकी इंस्पिरेशन है बीस्ट बॉय शिप गाइस। बीस्ट बॉय शिप से मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ माइनक्राफ्ट में।
ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, बाय बाय।